ओह नो, अंगूठे से ब्लड आ रहा है। अच्छा हो गया स्केच पे लगा, नहीं मुझे ध्यान ही नहीं था इसका। एंड आप भी ध्यान रखिए कि अगर आप शार्प करते हो पेंसिल को किसी ब्लेड वगैरह से तो आपके हाथ पे ना लगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वही पेपर है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आईवरी का पेपर। एंड सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं। एंड ये कमीशन वर्क है। एंड इस पेपर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा। एंड ये वीडियो पेपर पे बेस्ड नहीं है, इसलिए इस वीडियो में पेपर की बात नहीं करेंगे। एक आई ड्रॉ हो चुकी है एंड उस तक मैंने थोड़ा बहुत शेडिंग वगैरह भी कर लिया है। एंड दूसरे आई भी बना रहा हूँ। आई के एरिया के लिए मैं 10B की पेंसिल यूज़ किया है एंड अदर साइड में 2B एंड 4B पेंसिल यूज़ किया है, जहाँ पे भी शेडिंग वगैरह ब्लेंडिंग वगैरह थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको। दोनों आई ड्रॉ हो चुकी है, अब मैं हेयर ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़े बहुत। एंड नोज का एरिया वहाँ 2B से ड्रॉ कर रहा हूँ एंड शेडिंग करके ब्लेंड कर दिया मैंने। ये वही टाइम है जब मेरे हाथ से ब्लड निकल रहा था उंगलियों से, देख सकते हो आप। अब मैंने बैंडेज लगा लिया है। अच्छा हो गया कि स्केच पे नहीं लगा, वरना पूरी स्केच ख़राब हो जाती है। अब फेस पे मैंने 2B पेंसिल यूज़ किया है एंड शेडिंग करके ब्लेंड किया है। एंड आप देख सकते हो साइड में जो पिक है उस पर लाइट का इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा शेडो टाइप का। पर उसको जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर पाया इस पेपर के कारण, पेपर में ड्रॉ हो नहीं पा रहा था उतने अच्छे से एंड पेपर ख़राब हो रहा था, सो मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया, नॉर्मल ऐसे बना लिया फेस। एंड अब फेस के बाद जितने भी हेयर बचे हुए उसे ड्रॉ कर लेते हैं। एंड सॉरी सभी को, वीडियो में बना ही नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन से अच्छे से। एंड अब मैं फिर से वही नहीं बोलूँगा कि अब कुछ दिन में अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि बार बार मैंने वादा किया है एंड उसे पूरा नहीं किया है। सो अब जब का तब देखेंगे, जब अच्छे से मैं ड्रॉ कर पाऊँगा तो अपने आप ही वीडियो आने लग जाएगी। एंड सर आपको पता ही होगा कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ट्राई किया एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो देने के लिए। A50 ट्राई किया सैमसंग का, नोट 7 प्रो ट्राई किया रेडमी का, एंड किसी में भी अच्छे से वीडियो बनी रही थी, नेचुरल वीडियो। सो मैंने अभी एसुस का जेन फोन मैक्स M1 Pro मंगाया है जो कि सौरभ जोशी के पास है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।